हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आ माई चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिश करने वाले हैं अपने सरी के लकड़ी के दरवाजे पे। आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो दरवाज़ा है वो बहुत ही अच्छा है। इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसको हम पॉलिश करेंगे इस पर अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। तो आप देख सकते हो ये जो दरवाज़ा है दोस्तों, इस पर बहुत ही अच्छा रेशा बना हुआ है। इसके लिए दोस्तों हमें सिर्फ पॉलिश करने की ही ज़रूरत है, केवल शाइनिंग देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सरी का जो लकड़ी होता है बहुत ही मजबूत होता है, इस पर किसी भी तरह का घुन वगैरह नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, यही इसकी अच्छी खासियत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले दरवाजे पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में हम आप देख सकते हो, हमने ये दोस्तों वुड फिलर लिया हुआ है, जिसे दोस्तों पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी शॉप पर आप जाओ तो लकड़ी के लिए पीली मिट्टी आप बोल सकते हो, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका जो काम होता है दोस्तों पीली मिट्टी का, वो जो हमारे दरवाजे पर क्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसको दोस्तों फिल करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। और इसका जो कलर है दोस्तों, हम पीला कलर में लेके आए हैं, क्योंकि हमारा जो दरवाज़ा है उसका जो कलर भी है पीला कलर। ये दोस्तों अलग अलग कलर में भी आता है, आप अपने दरवाजे के हिसाब से इसका जो कलर है वो ले सकते हो। इससे दोस्तों बिल्कुल ही नेचुरल लुक आता है। तो फ्रेंड्स, यही इसकी खासियत होती है। तो चलिए हम इसको मिक्स पानी में इसी तरह से कर लेंगे जैसे हम पुट्टी को मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जितना ज़रूरत था उतना हम मिक्स कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो नाम है, ब्रांड है, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो, हमारा जो वुड फिलर है वो मिक्स हो चुका है, और मिक्स होने के बाद में कुछ इस तरह से ये दिखता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको अपने दरवाजे पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हम किस तरह से इसे फील करते हैं अपने दरवाजे पे। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से फील करना होगा अगर आप दरवाजे पे काम करते हो तो छोटे छोटे क्रैक्स है उस पर अच्छे से भरना होगा। ज़्यादा जो है फीलर जो है बाहर नहीं छोड़ना होगा, जितना ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर लगाना होगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पीली मिट्टी है वो दरवाजे पर लग चुका है, और आप देख सकते हो ये जो है कंप्लीट हो चुका है, जितना भी क्रैक्स था वो भर गया है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा जो अगला काम होगा दरवाजे पर, वो जो है दोस्तों फिनिशिंग का होगा। तो आप देख सकते हो दरवाजे को दोस्तों अच्छे से घिसाई करना होगा। तो सबसे पहले हम घिसाई करेंगे 80 नंबर के रोल पेपर से, और आप देख सकते हो दोस्तों ये रोल पेपर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको अच्छे से घिसाई कर लेते हैं अपने लकड़ी को दोस्तों, ताकि आप इसको टच करो तो इसमें जो है दोस्तों बहुत ही स्मूथ लगे, और इसका जो फिनिशिंग है घिसाई करने से ही बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। आपको घिसाई करने में बहुत ही ज़्यादा इसको टाइम देना होगा, क्योंकि इसका घिसाई जो है वो मेन होता है। तो फ्रेंड्स, मैं घिसाई का वीडियो पूरा आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, घिसाई का वीडियो हल्का हल्का मैं आपको कम रूप में दिखाऊंगा दोस्तों, आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही हमारा दोस्तों घिसाई कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा टारपिन ऑयल है, इसको हम दोस्तों एक कोट लगाएंगे इसमें। तो आप देख सकते हो हमारा जो टारपिन ऑयल है वो हम सबसे पहले अपने दरवाजे पर लगा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो है एक कोट हमारा टारपिन ऑयल इस पर कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कपड़े के सहायता से लगाए हैं, और आप देख सकते हो उसके बाद है हमारे पास थिनर।
तो फ्रेंड्स थिनर को भी हम एक कोट लगाएंगे इस दरवाजे पे। दोस्तों आधा एक घंटा में ये जो दरवाज़ा है वो अच्छे से सूख जाता है थिनर, जो कि दोस्तों इसको हम लगाने वाले हैं अपने दरवाजे पे सेकेंड कोट। और फ्रेंड्स चलिए इसको हम डिब्बे में डाल लेते हैं, और इसको दोस्तों आपको ज़रूरत के हिसाब से कम कम डालना होगा। और डालने के बाद आप देख सकते हो हम जो है इसका जो ढक्कन है अच्छे से लगा चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये इसको खुला आपको नहीं छोड़ना होगा। तो चलिए इसको भी हम एक कोट लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा जो टॉर्पिन ऑयल है उसको हम लगाएंगे कपड़े के मदद से अपने दरवाजे पर, और आप देख सकते हो हमारा जो टॉर्पिन ऑयल है वो लगना स्टार्ट हो चुका है। और लगने के बाद में इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है हमारा जो दरवाज़ा है उसका, तो आप देख सकते हो इसको लगाने से दोस्तों दरवाजे पर और अच्छी मजबूती आ जाती है और इसकी शाइनिंग भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हम इस तरह से इसको लगा लेंगे। तो इसको मैं ज़्यादा दोस्तों लंबा नहीं दिखा सकता, तो आप चलिए इसको स्किप कर देता हूँ। तो उसके बाद हम जो है अगला हम लगाने वाले हैं, और आप देख सकते हो तो ये है दोस्तों क्लियर, और उसके बाद हमारे पास है हार्डनर। तो फ्रेंड्स इन दोनों को हमको मिक्स करके लगाना होगा अपने दरवाजे पर। तो ये जो है दोस्तों दरवाजे के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो चमक है दोस्तों बहुत ही अच्छा रहता है दरवाजे पे लगने के बाद में। तो इसको भी हम दो कोट अप्लाई करेंगे अपने दरवाजे पे, चाहो तो आप तीन कोट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो वुड कोट ग्लॉस क्लियर। तो फ्रेंड्स इन दोनों को और हमको अच्छे से मिक्स करके दोस्तों दरवाजे पे लगाना होगा। तो आप देख सकते हो हम इसके लिए एक डब्बा जो है तैयार रखे हुए हैं, तो उसमें हम डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डालना होगा दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों अगर आप ज़्यादा मिक्स करते हैं और उसका जो यूज़ नहीं हो पाता तो ये जो है बहुत ही सेट हो जाता है, वो जो है पूरा माल ख़राब हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हो इसमें जो है हम हार्डनर डाल लिए हैं क्लियर में। तो फ्रेंड इसको हम मिक्स कर लेंगे, और सबसे ध्यान देने वाली बात दोस्तों इसको आपको ब्रश से ही लगाना है, और कपड़े वपड़े में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आप देख सकते हो ये हार्डनर का पार्ट भी है। तो चलिए इसको हम ऐसे घोल लेते हैं दोस्तों, और आपको अच्छे से घोलना होगा, इसको मिक्स करना होगा ब्रश से या लकड़ी से जैसे भी हो। तो चलिए आप देख सकते हो हमारे पास जो छोटा वाला ब्रश है उससे हम पेंट करने वाले हैं। तो चलिए हम प्यू को अपने दरवाजे पर लगाते हैं, और आप देख सकते हो हम ब्रश की सहायता से इसको लगा रहे हैं। आपको ब्रश की सहायता से या फिर मशीन हो तो आप मशीन से लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों कपड़े से आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना प्यू को, ये बहुत ही बेकार कर देगा कपड़े से अगर आप लगाते हो। तो इसका जो शाइनिंग जो है ब्रश से हो चाहे मशीन से, इससे ही अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हो इसको अच्छे से मिला मिला कर लगाना होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको हम दो कोट करेंगे, आप चाहो तो तीन कोट भी कर सकते हो अच्छी फिनिशिंग देने के लिए दोस्तों। उसके बाद हमारे पास है सीधा, चलिए आते हैं मुर्गा पॉलिश की ओर। ये आप देख सकते हो हमारे पास मुर्गा पॉलिश है 1 लीटर का, इसको हम लगाएंगे अपने दरवाजे पे। तो ये जो है बहुत ही अच्छा है मुर्गा पॉलिश, ये जो है लगने के बाद में बहुत ही अच्छी शाइनिंग देता है लकड़ी की दोस्तों। बहुत सारे सभी चीज़ों पर शाइनिंग देने के लिए दरवाजा हो, खिड़की हो, फर्नीचर, कोई सा भी सामान हो लकड़ी का, इस पर हम यूज़ करते हैं इसको, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो चलिए हम इसको डब्बे में डालते हैं, उसके बाद हम सीधे इसको यूज़ करेंगे अपने दरवाजे पर। इस पर किसी भी तरह के टॉर्पिन ऑयल हो गया, थिनर हो गया, इसका यूज़ इसमें नहीं करना होगा, इसको हम सीधे लगाएंगे। तो आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो कुछ पेट्रोल की तरह होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्यू हार्डनर था वो जो है 6-7 घंटे सूखने के बाद में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है अच्छे से आपको सूखने देना होगा, तभी आपको यूज़ करना होगा इसको। तो आप देख सकते हो हमारा जो ब्रश चलाने का जो पॉइंट है वो ऊपर से नीचे है दोस्तों। हमारे जो दरवाजे पर पट्टी बना हुआ है उसी के हिसाब से हम चला रहे हैं, ताकि जो है इसका जो रेशा है वो सीधा सीधा बने दोस्तों। अगर आप आड़ा तिरछा चलाते हैं तो इसका जो रेशा जो है पूरा बिगड़ जाएगा, इसका जो
लाइन बनेगा वो जो है दोस्तों पूरा बिगड़ जाएगा, तो उससे जो है बिल्कुल ही ख़राब लगेगा आपका दरवाज़ा। तो पेंट करते टाइम आपको यही ध्यान देना होगा। तो आपको दोस्तों इसको दो कोट करना होगा, आप चाहो तो इसे भी तीन कोट कर सकते हो, जितना ज़्यादा करोगे उतना शाइनिंग आएगा, लेकिन मैक्सिमम आप तीन कोट ही करना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा जो दरवाज़ा है वो सूखने के बाद में कैसा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा इसका शाइनिंग है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो रेशा है काफ़ी ज़्यादा उभर चुका है पेंट होने के बाद में। तो फ्रेंड्स सरई हो या सैगोन हो, इस तरह के दरवाजे को नेचुरल लुक देने के लिए हम इसी तरह से पॉलिश करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।